रिश्तों का खून। बेटे ने बाप के हाथ पैर बांधकर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर एक सगे बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता को मारने के बाद आरोपी खुद ही पुलिस के पास पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम असक्कीपुर का है, जहां पर चेतराम नाम के व्यक्ति ने शराब पीने के लिए अपने पिता से जब पैसे मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उस बेरहम बेटे ने अपने पिता सुधीर को मौत के घाट उतार दिया। बेटे द्वारा पिता की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा खुद ही पुलिस चौकी पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। हत्या की खबर लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस नूरपुर के अस्करीपुर गांव का मामला है, जहां सुधीर नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 से 42 वर्ष है, ये शराबी है। इसकी पत्नी इसको छोड़कर के पहले ही जा चुकी हैं, इसकी मां मर चुकी हैं, पिता भी 68-70 वर्ष का है। शराब के नशे में ही घरेलू विवाद क्लेश में इसने अपने पिता को मारपीट किया, कमरे में बंद कर दिया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत है। सुधीर को हिरासत में ले लिया गया है, अन्य विधि कार्रवाई।